रिसाइकल के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं, वो तो नया चीज़ नहीं है, लास्ट 1.5 ईयर से चल ही रहा है ये सब चीज़ बात जो है। यूटी डिपार्टमेंट के टेंडर ऑफलाइन टेंडर्स होते हैं, क्लोज टेंडर्स होते हैं, और ये सब की एलिगेशन है उसके बारे में आई थिंक वो बेटर रहेगा कि जो कंसर्न हमारा ऑफिसर लोग है वो कर रहा है, जो कमेटी रिकमेंड करता है उसके मुताबिक हम लोग चलता है, उसमें रेगुलरिटी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। काफ़ी खरसंग उस वहाँ पे भी कोल को लेके, कोल माइनिंग को लेके, इलीगल है, कोल इज़ ऑलरेडी बैन कोल की, लेकिन अभी भी इलीगल माइनिंग चलती है, और खरसंग में भी कैसे किस हिसाब से दिया गया सर उसके बाद? नहीं अभी नहीं चलता है, चलता नहीं है, बैकडोर में सर नहीं पता नहीं, नहीं चलता है अभी। जब बनीपुरु एयरपोर्ट को लेके अभी जो नाम दिया गया तो आप क्या कहेंगे, सपोर्ट करते हैं आप? हाँ नहीं, वो तो कैबिनेट ऑलरेडी पास कर चुका है, गवर्नमेंट को आप सपोर्ट करेंगे, जो रैली अभी करप्शन रैली हो रही है, पेमा खांडू गवर्नमेंट को आप अभी क्लीन चिट देंगे कि अच्छे से काम कर रही है? काम अच्छा से चल रहा है, अगर कोई कहीं में कुछ प्रॉब्लम है तो लीगली भी जा सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, काम पेमा खांडू लीडरशिप में अच्छा से चल रहा है, काम बहुत प्रोग्रेस हो रहा है, हम लोग महसूस कर रहे हैं। आई हैव बीन वर्किंग विद सिंस 2011 की, जब से मैं इलेक्टेड हुआ तो 2004 में हुआ, देन टिल डेट 6 चीफ मिनिस्टर्स का साथ में हमको काम करने को मौका मिला, इंक्लूडिंग दिस प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, तो अच्छा चल रहा है। में भी हमने देखा कहीं कहीं जब बारिशें आ जाती हैं, कितनी जगह यहाँ पे यूटी डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीम्स दी जाती हैं लेकिन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता सर, अलग अलग जगह हाईवेज में, या अगर ड्रेनेज सिस्टम है, यूटी की तरफ से क्या फंडिंग की कमी है या कुछ प्रॉब्लम है आपकी सरकार में? नहीं देखिए, विद इन द टाउनशिप में कुछ भी होता है तो लोग सिर्फ यूटी डिपार्टमेंट को ही देखते हैं, स्कीम्स विद इन द टाउनशिप, कैपिटल में तो बहुत डिपार्टमेंट लोग भी करते हैं, तो हमको जो देना है हमने दे दिया, तो उसके बाद में अगर कहीं में एग्जीक्यूटिंग प्रॉपरली नहीं हुआ तो एनीबडी कैन फाइल अ केस, इन्वेस्टिगेशन करो, कुछ भी करो, वो ऐसे बोलने से नहीं होता है। गरीब फैमिलीज़ के लिए, बैकवर्ड फैमिलीज़, उनके लिए, पुअर फैमिलीज़ के लिए अगर यूडी की एक स्कीम होती है हाउसिंग की, उनको फ्लैट्स दिए जाते हैं, अरुणाचल में भी जगह जगह ऐसे कॉम्प्लेक्स बने लेकिन प्रॉपर तरीके से सर कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, ये सब अभी बहुत जगह है, और कैपिटल के पास भी एक है कि हाउसिंग की जो स्कीम्स है यूटी हाउसिंग की, उसकी तरफ से बनाया जाता है, कंप्लीट नहीं किया जाता, आप क्या कहेंगे सर? टोटल कितने पूरे अरुणाचल में कितने ऐसे बनाए गए फ्लैट्स? अब वो वाला मल्टी स्टोरीड वाला बिल्डिंग को बोल रहे या जस्ट इंडिविजुअल का? उसको भी एंड दैट इज पर्टिकुलर, बट ऑल ओवर अरुणाचल हाउ मेनी फ्लैट्स ऑल ओवर अरुणाचल में नहीं है, जो BPL फैमिलीज़ के लिए जो देता है हम अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, उसमें हर अर्बन टाउन्स को दिया जाता है 10-20 जो भी है, वो इंस्टॉलमेंट बेसिस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इंस्टॉलमेंट है, उसमें वर्क प्रोग्रेस के हिसाब से देता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंडिंग है। और आप जो शायद पूछ रहे हैं कि बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन सेलेक्टेड फ्यू प्लेसेस, वो भी ऐसा ही है, जो फिजिकल प्रोग्रेस जितना होता है देन उसके हिसाब से, अगर हम UC देते हैं तो सेकंड इंस्टॉलमेंट, देन थर्ड इंस्टॉलमेंट, उसके हिसाब से चलता है। कहीं कहीं में शायद वर्क प्रोग्रेस ग्राउंड में अच्छा से नहीं होता होगा, UC नहीं देता होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं आया होगा। सेलेक्टिव प्रोसेस क्या है, क्योंकि कभी कभी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ के, वेल एस्टेब्लिश फैमिलीज़ के लोग भी उसको ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो BPL और पुअर बैकग्राउंड के फैमिलीज़ को दिया जाना चाहिए, तो सेलेक्टिव प्रोसेस क्या है और इसमें आपका अगर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आप लोग? वो अलॉटमेंट जो है वो मेरे पास आता नहीं है, क्योंकि अगर कहीं पर स्पेसिफिक कोई एलिगेशन है तो पीपल शुड कम एंड कम टू द करेक्ट अथॉरिटी।